नमस्कार दोस्तों, ये क्या हो रहा है और किस तरीके से वीआई एक नई वॉर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो वीआई ने कुछ नए रिचार्ज स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हमें जो पहले सस्ते रिचार्ज देखने के लिए मिलते थे उसमें सबसे बड़ी कमी होती थी लोएस्ट डेटा हमें देखने के लिए मिलता था, जिसकी वजह से हम परेशान रहते थे कि एटलीस्ट हमें उसमें एसएमएस एंड कॉल सर्विस देखने के लिए मिलती थी। लेकिन जितना आपकी वैलिडिटी बढ़ती चली आएगी और जितना आप सस्ता रिचार्ज करने की कोशिश करेंगे तो डेटा खत्म हो जाता था उसके अंदर। लेकिन अब एक नए तरीके से रिचार्ज इंट्रोड्यूस किए गए हैं वीआई की तरफ से, जिसमें कि एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बेनिफिट तो देखने के लिए मिलता है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इसमें आपको बेसिक फैसिलिटी मतलब कॉल और बात करी जाए तो एसएमएस नहीं कर सकते। लेकिन सबसे प्यारी चीज आपको डेटा इसके अंदर पर डे के हिसाब से मिलता है। ये एक नई पहल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और आपके लिए किस तरीके से बेनिफिट लाएगी ये नए रिचार्ज वो भी बात करेंगे इस वीडियो में। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रेगुलर अपडेट के लिए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल मिल जाएगा, जिसे कि आप ज्वाइन कर सकते हो। रेगुलर अपडेट आपको वहां पे भी मिलती रहती है। वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि यहां पे जो फर्स्ट रिचार्ज देखने के लिए मिलता है वीआई की तरफ से वो ₹125 पूरे महीने के लिए, और दूसरा ₹181 ये पूरे महीने के लिए आता है, मतलब 30 दिन के साथ। लेकिन इसमें बेनिफिट थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। सबसे पहले चलते हैं ₹125 वाले रिचार्ज के साथ, जिसमें कि इसमें आपको 1 GB पर डे डेटा दिया जाता है। इस रियली ₹125 के रिचार्ज में आपको 1 GB पर डे डेटा दिया जा रहा है, वो भी 28 डेज वैलिडिटी के साथ। लेकिन याद रखिएगा, इसमें आपको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिलेगी, मतलब ना आप इस रिचार्ज में कॉल कर सकते हैं ना आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। लेकिन फिर इसमें आपका क्या फायदा, जो मैंने बोला अभी, आपको इसमें बहुत ज्यादा फायदा देखने के लिए मिलता है। लेकिन सेकंड रिचार्ज की बात और कर लेते हैं, जो कि वीआई क्रिकेट के नाम से इसे मेनली प्रेजेंट करता है कि क्रिकेट पैक, जिसमें कि आपको ₹181 का ये रिचार्ज देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1.5 GB डेटा पर डे दिया जाता है और इसमें आपको पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। लेकिन सेम सर्विस की इसमें आपको कोई भी बेसिक सर्विस नहीं मिलती है, मतलब कॉल नहीं कर सकते, मैसेज नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही बात घुमा फिरा के आती है कि इसमें आपका क्या फायदा है, क्योंकि आज की डेट में बात करी जाए तो बहुत ज्यादा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें कि सिम कार्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि बहुत ज्यादा बेसिक की बात करूं मैं, जैसे कि आप बाइक चला रहे हैं या आपके पास बाइक है तो आप उसमें ट्रैकर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें एक सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। और नॉर्मली आप कोई भी रिचार्ज करवाते हैं तो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन ये 125 वाला रिचार्ज मुझे अच्छा लगा। इसमें आपको एटलीस्ट 1 GB पर डे डेटा मिल रहा है। ये मैं ट्रैकर के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें 1 GB का क्या काम है, एक्चुअली सही बात है। लेकिन आज की डेट में जो कैमरे आते हैं, जैसे कि हम सीसीटीवी कैमरे की बात करें या 360 कैमरे की बात करें लाइक दिस, तो ये जो होते हैं इनमें डेटा कंजम्पशन होता है। तो आप डोंगल से इंटरनेट दे रहे हैं या ऐसी जगह पे जहां आप मंथली हैवी खर्चा नहीं करना चाह रहे, तो ये 125 वाले रिचार्ज रियली बड़ी, मतलब कह सकता हूं मैं कि एक तरीके से गेम चेंजर साबित होंगे। और आप कहीं पे भी लगा के इन्हें यूजली, क्योंकि 4G राउटर भी आते हैं आज की डेट में, जो कि नॉर्मली आपको सिम डाल ली और ₹125 पर डे के हिसाब से इस रियली कि आप ऐसा ब्रॉडबैंड की तरह भी यूज कर पाएंगे उसे, मतलब कैमरे की तरह या मल्टीपल आपके कैमरे लगे हुए तो उन पे ये एक अच्छी फैसिलिटी देखने के लिए मिली। और आपका जो ₹500-600 मंथली का खर्चा था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पे डेटा 1 GB पर डे भी नहीं खत्म हो पाता, क्योंकि शुरू में तो आप थोड़ी बहुत लाइव स्ट्रीम देख भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सस्ते मतलब बात की जाए तो कुछ टाइम के बाद वो भी खत्म हो जाता है कि 5 मिनट देख लिए, 6 मिनट देख लिए, और एटलीस्ट आपकी कनेक्टिविटी रहती है कि आप कभी भी कहीं बाहर है तो लाइव देख सकते हैं। तो ₹125 खर्च करना कोई बड़ी बात भी नहीं होती। और भी बहुत ज्यादा ऐसे डिवाइस आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड, जिसमें कि ई सिम कार्ड या सिम कार्ड चलते, जैसे कि स्मार्ट वॉच की बात करें तो वहां पे आप ₹125 खर्च कर सकते हैं, नहीं तो आपको महंगे रिचार्ज लेने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको 1 GB एटलीस्ट पर डे मिल रहा है, एक अच्छी पहल है। देखते हैं कि इसे किस एंड तक वीआई लेके जाता है और आपको कहां तक बेनिफिट करवाता है। मैं ये नहीं कहूंगा बेसिक फैसिलिटी नहीं है, लेकिन पर डे डेटा एटलीस्ट पहले जो हमें बल्क में देखने के लिए मिलता था, अब कहीं ना कहीं पर डे में आ गया है। जो एक जमाना ये था कि 1 GB के लिए अराउंड 250 से लेके 300-350 रुपए भी खर्च करने होते थे, आज की डेट में ₹125 में पर डे 1 GB मिल जाता है। इस रियली अमेजिंग। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।